ये स्ट्रे कैट है और इसने एकदम जंप मारी, इसलिए वो निकल गया। लेकिन लेट्स सी के अभी क्या होता है। द बैटल ऑफ होंडास। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं बहुत ज्यादा लेट उठ गया, तकरीबन 1:50 बज रहे। क्योंकि डेज बहुत शॉर्ट होते हैं तो हम आज गाड़ी को ऊपर भी, गाड़ी का ऊपर करना भी रहता है, साइलेंसर भी साफ़ करना है और जो साइड ब्रेक लीडर्स वगैरह है वो भी साफ़ करने हैं, जो एक्सीडेंट हुए है पीछे वाले बम्पर में वो भी ठीक करने हैं। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। लेट उठने का वजह ये भी है कि मैंने पूरी रात कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए है, कजन्स आए हुए थे। इस व्लॉग के एंड में चीज भी दिखानी है आप लोगों को। टाइटल से आप लोगों को ऑलरेडी पता चला होगा, प्रियस वर्सेस एक्वा, जो कि लास्ट ट्रैक में हुआ था। तो व्लॉग शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ा रेडी शेडी होते हैं, कुछ खा पीते हैं और फिर निकलते हैं कार वॉश की तरफ। आज इसको ऊपर करना था लेकिन हमें एक दिन और मिल गया इस ड्रॉप लाइफ को एंजॉय करने। सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न की वजह से मैं अभी जाऊंगा, इसको कार वॉश ले जाऊंगा और थोड़े मज़े लूंगा। ये मैं वापस ओरिजिनल हाइट पर ले जा रहा हूँ इसको, तो बार बार ड्राइविंग का दिल कर रहा है। तड़प ही ऐसी है ना। हवा बहुत तेज चल रही है, बारिश के इम्कानात है, लेकिन तब तक बारिश ना हो जब तक मेरी गाड़ी वॉश हो जाए और मैं थोड़े शॉर्ट्स ले लूं, बस यही मुझे चाहिए। उसके बाद तो गाड़ी ब्लैक है, हवा हो ना हो गाड़ी फिर भी गंदी हो जाती है। यहाँ इस बंदे के पास रुक गया कि मसला क्या हुआ है, तो वो छोटा बच्चा पता नहीं, अब ये जो घर वाले हैं दरवाजा नहीं खोल रहे और अब हम डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये बच्चा एकदम मेन रोड की तरफ दौड़े और गाड़ी इसको ना मारे। इतना छोटा बच्चा है कि इसको पता भी नहीं है कि ये कौन सा घर सा है, लेकिन इसी घर की तरफ इशारा कर रहा है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसी घर से ही होगा। हमने बहुत टाइम से बंदा बेचारा खड़ा है और वो दरवाजा नहीं खोल रहे। दस तापीज है नहीं हाँ, इसने भी लॉजिक की बात की है। देखो इतना छोटा है लेकिन इसका दिमाग चलता है बुस नहीं पड़ा इसमें। फाइनली उसके घर वाले आ गए, पता नहीं मार्केट से ये जल्दी भाग गया था, बेचारे को से मार दिया यार। स्टेशन पर रश चेक करो, हमने भी डालना है। फ्यूल पंप का काम तो हो गया, तो हम भी इसको अब थोड़ा थोड़ा करके फुल करेंगे। साथ ये भी आ गया, तेरा का क्या मैं इधर। वैसे असल सवाब इसको मिल गया, पहले से ये कड़ा था बेचारा, बहुत टाइम से कड़ा था आपके भाई को वीआईपी जगह मिल गया यार। ये देखो ये जगह बंद है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा इधर रहता है, इधर कोई गाड़ी नहीं छोड़ती, सिर्फ उस लाइन में गाड़ी है। ये लाइन सिर्फ हाइक्टेन के लिए खुली है, मैंने बस हाइक्टेन से फुल कर दी। गाड़ी साफ, मैं साफ और ये कैसा लगा मेरा मजाक
बंदा भीख में बहुत इस तरह भीख मांगता है ना जैसे सही बंदा उस तरह चुप रहे भी भीख मांग रहा था। Few inches later, उस बेचारे मोटरसाइकिल वाले को पीछे से टैक्सी ने मार दिया। ये मोटरसाइकिल था और इसके पीछे टैक्सी वाले ने मार दिया, मोटरसाइकिल चला गया और बंदा जमीन पर खड़ा हो गया यार। A few hours later, इसको देखो ये स्ट्रे कैट है और इसने एकदम जंप मारी। एकदम से इसने जंप मारी, रे देखो कितना आदत है। ये स्ट्रे कैट है, बाहर से उधर से इसने जंप मारी और मेरे साथ बैठ गया। हमने जाना है फिलहाल, इसको इधर ही छोड़ते हैं, फिर वापस आके देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। स्ट्रे भी लग रहे और घर का भी लग रहे। ये एक वाली भाई आया था कि जरा चेक करते हैं, मेरी बैटरी भी थोड़ी कम है लेकिन चलो लेट्स सी। पीछे रह गई, पीछे रह गई, पीछे रह गई। मेरा बहुत खराब ट्रैक्शन हो गया इसलिए वो निकल गया, लेकिन लेट्स सी के अभी क्या होता है। ये देखो वापस कैचअप हो रहा है, वापस निकल रही है हमारी गाड़ी। बस 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 पहले भी निकल गई, मेरा बहुत ज्यादा ट्रैक्शन हो गया 71-80 तक, बहुत ज्यादा निकल गई। तो मैं समझा के चलो बस काम तमाम है मेरा, लेकिन प्रियस ने वापस पावर गेन कर लिया और वापसी निकल गया। शुक्र है इज्जत बचा दी मेरी इसने। वो बंदा बहुत कह रहा था कि आपने कुछ लगाया है, कुछ लगाया तो नहीं है इसमें रेस के पहले पूछ रहा था, क्योंकि मैंने एक टर्बो के साथ रेस लगाया था और 100 तक मैंने टर्बो के साथ सेम टू सेम रहा हूँ, तो इसलिए वो पूछ रहा था कि आपने कुछ तो लगाया नहीं है इसमें। द बैटल ऑफ होंडास, दो टर्बोज है और एक ओरियल। ये क्या हो रहा है यार, एक दो टर्बोज है और एक ओरियल।